तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे जो कि जेबी गुप्ता में दिया गया। तो देखिए, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स वाटर एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं, ठीक है, और ये इसका ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, इसलिए ये कॉमर्शियल एनर्जी ऑफ सोर्स होगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पावर प्लांट इज लीस्ट रिलेबल, मतलब पूछा गया है कि कौन सा पावर प्लांट है जिसमें कि रिलेबल बहुत लीस्ट है, यानी कि वह ना के बराबर है। तो ये है आपका पॉइंट में पॉइंट पावर प्लांट जो होता है वह अनरिलेबल होता है, बाकी सब ज़्यादा रिलेबल होती है, ये अनरिलेबल होता है, ठीक, क्योंकि इसमें जो पावर जनरेशन होता है वह एक फिक्स नहीं है, ये जितने हम लोग जनरेट कर सकते हैं और यह किसी पर डिपेंडेबल नहीं होता, ठीक है, ये हवा पे ही डायरेक्ट डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और इसीलिए इसका लॉन्ग लास्टिंग सप्लाई दे सकता है, लंबे समय तक ये सप्लाई दे सकता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आपका पॉइंट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम सी वाटर इज मोर एडवांटेज, बोला गया कि कौन सा मेथड में जो सी वाटर से हम लोग ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना है तो हम लोग टिडल पावर से सी वाटर का ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं, वो कैसे तो मैं बताता हूँ। देखिए कि टिडल वेव एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है और ये फ्री होता है, ठीक है, इसलिए पोल्यूशन फ्री होता है। यहाँ पे पॉइंट पावर डिवाइस के लिए ज़्यादा मतलब मात्रा में यूज नहीं किया जाता ज़मीन का, और जैसे कि वाइंड में यूज किया जाता है पावर को रिमूवल होने के बाद, ठीक है, ये प्लेस हो जाता है एक स्टेट में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टिडल पावर का ही यूज करेंगे, सी सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए विच इज द टोटल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली इन इंडिया, देखिए इंडिया में पूछा गया है कि ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से टोटल पावर जो इंस्टॉल हुआ है वो कितना है, टोटल पावर जो इंस्टॉल हुआ है वो आपका 125,000 मेगावाट में, ये जो डाटा दिया गया है ये डाटा 2007 में का साल में दिया गया है, और 2015 का बात किया जाए तो 2015 में यही डाटा आपका 275,000 हो गया है, ठीक है, तो 2007 की कैपेसिटी में ये 125,000 मेगावाट में है। अगर यही पूछ दिया अगर 2015 में, तो 2015 में कितना हो जाएगा, 275,000 मेगावाट, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए द पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट आर पॉसिबल इन तमिलनाडु एंड लार्जली वेस्ट, मतलब पूछा गया है कि तमिलनाडु में जो पावर लार्जली डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो कौन सा पावर है, तो तमिलनाडु में मैं बता दूं जो पावर डेवलपमेंट होता है ज़्यादातर, तो वहाँ पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पावर तो जनरेट हो रहा है वहाँ पे, न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर पावर का जो सोर्स है वह लिमिटेड है, ठीक है, इसलिए तो इसका आंसर आप सिंपली बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर। अगला क्वेश्चन बोल रही थी कि पावर आउटपुट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट डिपेंड ऑन, देखिए पूछा गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का पावर आउटपुट डिपेंड करता है किस पे, तो ये आपका डिपेंड करेगा सिस्टम का एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, हेड पे डिपेंड करेगा और डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा, कहने का मतलब
जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका 0 736 बटा 75 क्यू डब्ल्यू एच एन इंटू 10^3 kW। तो ये फॉर्मूला क्यों सर, ये आपका डिपेंड कर रहा है इस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उसी तरह इसका एक्सप्रेशन पूछा गया, देखिए अगला क्वेश्चन, करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है। तो एक्सप्रेशन इसका जो है वो आपका है 736 बटा 75 क्यू डब्ल्यू एच एन गुणा 10^-3 kW। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो ये एक्सप्रेशन होगा, जहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले क्यू समझिए, ये जो क्यू है ये क्यू क्या हो जाएगा, यह रेट फ्लो ऑफ वाटर होगा जिसको हम लोग मीटर क्यूब पर सेकंड में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो है स्पेसिफिक वेट हो जाएगा वाटर का जिसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब में लेंगे, और एच क्या हो जाएगा, हाइट हेड का, या जहाँ से वाटर गिर रहा है उतना का हेड, और एन क्या हो जाएगा, ओवरलोड एफिशिएंसी हो जाएगा। तो इसके लिए इसका आंसर सेवन का आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है देखिए, आठवां में क्या बोला गया है, टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए वाटर का जो डेंसिटी है वो दे दिया है केजी मीटर क्यूब में, जैसे कि मैं बताया आपको केजी मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी, ये आपका स्पेसिफिक वेट हो जाएगा वाटर का। हाउ मच पावर वुड बी डेवलप्ड बाय हाइड्रोलिटिक जनरेटर यूनिट कंज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी, मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी 100% दे दिया है, विथ वाटर का जो हेड है 1 है और डिस्चार्ज भी दे दिया है 1 m³/s। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रिक पावर कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो चीज़ निकालना है, पी निकालना है आपका। तो ये जो सूत्र अभी मैं बताया था उस सूत्र से निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में इतना सब दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि पी का जो फॉर्मूला होता है 736 बटा 75 क्यू डब्ल्यू एच एन इंटू 10^-3 kW पे पुट कर देंगे। देखिए पुट कर देते हैं 736 बटा 75 क्यू का वैल्यू कितना दिया है 1.0। ठीक, डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है 1000, इच है भी 1.0 और एफिशिएंसी आपका दिया है 100%। सौ परसेंट करने का मतलब 100/100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, वन हो गया। तो इसको आपको सॉल्व करने के बाद इंटू 10^-3, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका 9.80 kW आएगा। ठीक, तो 9.80 जो दिया हुआ है वह एट का आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 9.80 का जो आंसर हो जाएगा ये एट का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 million m³ ऑफ वाटर इज स्टोर इन ए रिजर्वायर फीडिंग ए वाटर टरबाइन। कहने का मतलब यहाँ पे आपका जो W का वैल्यू है वो तो आगे दिया हुआ है, Q का वैल्यू आपका दे दिया है कि 10^6 m³/s। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर बोला गया कि वाटर का जो डेंसिटी है W का वैल्यू 936 kg/m³ दिया गया। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ वाटर, मतलब हेड जो है वो 50 दे दिया है, एंड द लॉसेज इसमें नेग्लिजिबल, मतलब जब लॉस को हम लोग नेग्लिजिबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी 100% हो जाएगा। तो 100% एफिशिएंसी इसका पता चल गया आपका, 100% कहने का मतलब वैल्यू 1। तो पूछा गया है कि इसमें एनर्जी स्टोर किया जा रहा है तो कितना एनर्जी किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले हमको पावर निकालना पड़ेगा, ठीक, तभी हमें पता चल पाएगा कि कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो निकालने के लिए सिंपली सबसे पहले फॉर्मूला होता है पी बराबर 736 बटा 75
75 गुना क्यू गुना डब्ल्यू गुना एच गुना एन डॉट 10 का पावर माइनस 3 किलोवाट। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 736/75 क्यू का वैल्यू आपका कितना है, क्यू का वैल्यू आपका 10 का पावर 6 है, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 936 मतलब 993 और एच का वैल्यू 50 है, एफिशिएंसी कितना है 1/10 का पावर -3। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 487.232×10⁶ किलोवाट आएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एनर्जी कितना जनरेट होता है, तो एनर्जी होता है P/60×60, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पी हमको निकल रहा है 487.232×10⁶, इसको हम लोग 60 से भागा देंगे दो बार 60 से, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका 135.3 MWh। तो देखिए 135.3 MWh दिया हुआ है, जो दिया हुआ देखिए इसका आंसर हो जाएगा 9 का A, ध्यान दीजिए 9 का आंसर A हो जाएगा, 135.5 MWh। क्यों, क्योंकि जो हम लोग लिए थे यहाँ 60 है, 60 60 समझ लीजिएगा कि 60 60 जो लिए थे एनर्जी में, वह आपका घंटा को मतलब सेकंड को घंटा में बदल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन हो गया। देखिए इसमें पूछा गया है कि यदि पावर अवेलेबल फ्रॉम हाइड्रो स्कीम इज गिवन बाय फार्मूला P=9.81 QH, वेयर क्यू है क्या है, रेट फ्लो थ्रू द टर्बाइन इन लीटर पर सेकेंड एंड H इज द हेड इन वाटर, देन P विल बी इन यूनिट, P क्या हो जाएगा वाट में हम लोग लेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा।